यार आपको मेरा फॉर्म नहीं है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, मोर देन 5 इयर्स जावा डेवलपमेंट में, इसमें जावा डेवलपमेंट। जावा डेवलपमेंट अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो अभी तो मेरी बात हो रही है, मैं क्या कर रहा हूँ कि लिंक्डइन पे मैं सीधा लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ जो पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे करी हो गया। मोस्टली मैं सऊदी में टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि दुबई में यहाँ पे लिंक्डइन पे मैं देखा हूँ ज़्यादा, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है दुबई से रिलेटेड पोस्ट, बट सऊदी से रिलेटेड काफ़ी सारे आ रहे हैं। तो दो कंपनीज है, एक है इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स और दूसरी है करीम करके, इंडिया अभी आपकी करंट लोकेशन क्या है? इंडिया इंडिया में। और कितना एक्सपीरियंस है अभी आपको? 5.5 अराउंड। और अभी आपने कुछ रिसर्च करी है कि दुबई में जावा डेवलपर का क्या स्कोप है, कौन कौन सी कंपनीज आज के टाइम में मतलब हायरिंग कर रही हैं, या हु कुड बी? हाँ मतलब या हाँ देख, मैंने देखे 3-4 कंपनीज है जिसमें से दो ने मेरे को अभी तक रिप्लाई किया, मैंने डायरेक्टली अप्रोच किया उनके, वहाँ पे जो काम करते हैं जिनके थ्रू कौन काम कर रहा है वो पता चल जाए करते, मैंने डायरेक्टली एक पर्सनल मेमो की रिक्वेस्ट भेज दी लोगों को, उनमें से अराउंड दो लोगों इससे ने काम नहीं रिप्लाई। चलेगा यार, ऐसे नहीं होगा, इससे काम नहीं होगा। क्योंकि दो तीन कंपनीज आप ये टारगेट करोगे या फिर इससे काम नहीं चलेगा। ओके, क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है कि अभी जावा डेवलपर का पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी दो तीन चीजें कि ये कौन कौन सी डेजिग्नेशंस हैं यहाँ पे, चाहे वो लो कैटेगरी से लेके मिड मैनेजमेंट, मिड लेवल तक, एंट्री लेवल से लेके एडल सीनियर लेवल तक की कौन कौन सी पोजिशंस हैं, वो पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पोटेंशियल कौन कौन सी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी यूएई में है, ओके, जो टेक में है, जो जावा के अंदर आपको रिक्रूट, उसकी प्रॉपर आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। फिर उसके साथ साथ आपको जो ये जॉब पोर्टल्स हैं, 20% आज के टाइम में यहाँ पे दुबई में हायरिंग जो होती है वो जॉब पोर्टल्स के थ्रू होती है, फिर आपको उन वहां से कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको लिंक्डइन पर यू हैव टू कनेक्ट टू टाइप्स ऑफ पीपल, हु कुड बी योर पोटेंशियल बॉस, ओके, एंड एचआर रिक्रूटर वर्किंग इन द आईटी कंपनी और वेयर यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, कहीं फॉर और रिक्रूटमेंट एजेंसीज। मैंने बताया था क्या आसिफ कोई बात बताई कि आईटी के लिए आपके पास जो है रिक्रूटमेंट एजेंसी को कनेक्ट करना पड़ेगा। गूगल पे आपको सारे आईटी रिक्रूटमेंट कंपनीज मिल जाएंगे, जस्ट गूगल इट। हाँ मैं वही कर रहा हूँ, मैंने वैसे ही लिस्ट रखी बट हुई है ये है कि थोड़ा उनमें मास से। लेवल पे आपको करना अप्रोच करनी पड़ेगी, तो उसमें आप वो चीजें हैं। और इंडिया में जो काम होता है और यहाँ का काम करने का स्टाइल अलग है, हायरिंग भी अलग तरीके से होती है यहाँ पर। बिल्कुल बट क्या होता है कि मैं वही हमें करके चल रहा हूँ। एंट्री चाहिए, वी नीड एंट्री, सही है ना? जब एग्जैक्टली एंट्री हो जाएगी फिर आप अपने हिसाब से चीजें कर सकते हैं कि जावा, क्योंकि आपको आरएनडी करनी पड़ेगी इसके रिगार्डिंग। आयास यार, जावा का क्या है अभी करंट में, क्या चल रहा है दुबई के अंदर, ये सब चीज आपको करना पड़ेगी। क्योंकि मैं भी, मेरी भी एक लिमिटेशंस है ना, मैं आपको ये नहीं बता सकता क्योंकि हर प्रोफाइल का तो बिल्कुल एग्जैक्टली मैं भी नहीं बता सकता अंदर क्या चल रहा है, सही है ना यार? हाँ तो वैसे अगर अभी फिलहाल तो मेरा कहना कि मैं जावा में काम कर रहा हूँ, लेकिन जैसे हमारे में बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट, कुछ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज भी आ जाती है, अगर बैक एंड टेक्नोलॉजी आती है तो वो भी तुमको पता होनी चाहिए, तो उतना तो फ्लेक्सिबिलिटी है मेरी। क्वेश्चन मेरा मेन ये है कि जैसे अभी नजमा पार्टनर्स जो है वो मुझसे कनेक्ट किए हुए हैं, एचआर ही है उनकी, वो मुझसे कम्युनिकेट कर रही है, उनको उन्होंने मुझसे रिज्यूमे मांग दिया था और एक फॉर्म भेजा था, वो फॉर्म उन्होंने मुझसे भरवा के लिया, बेसिक डिटेल सी थी उसमें, बट अभी पॉइंट ये कि काफी टाइम बाद उनका रिप्लाई आ रहा है, तो इज इट एक्सपेक्टेड बिहेवियर या कैसा सुना? देखो अप्रोच सब जगह करो, सही है, नजमा भाई जो भी है, आप अभी एक के ऊपर मत बैठिए, सही है, जो भी है सबको अप्रोच कीजिए, सबको अप्रोच कीजिए, पता नहीं कौन सी चीज वर्क करेगी, सही है ना, सबके अप्रोच कीजिए आप। वर्क कर जी, चलिए, ओके।